समस्त दिशाएं तो उसकी हो गई और हो गया। वृंदावन के जितने भी वृक्ष बताए हैं सभी अरुण वर्ण लाल वर्ण हो गया। बोले ये क्या है, उसने क्या देखा? चंद्रमा को तो देखा, चंद्रमा सभी देखते हैं, पूर्व दिशा में उदय होते थे, पर तो आज किसने जो देखा उसमें और कुछ विशेषता है। उन्होंने वृंदावन भूमि को देखा, वृंदावन के जितने भी तीन गुरु दत्ता वृक्ष आदि है, जितने भी पशु पक्षी हैं, सभी राधा जी के भाव के द्वारा विभूषित हैं। तो इसलिए कहते हैं जैसे वृंदावन भूमि में वृंदावन ईश्वरी में शुभानंद जी राधा वे महाभाव स्वरूप है, प्रेम स्नेह मान प्रण है, राग अनुराग भाव और उससे ऊपर महाभाव की स्थिति में पहुंची। इस महाभाव स्वरूप राधा जी को देख करके कृष्ण के अंदर में इच्छा जागी, वो महाभाव क्या है? जब भाव की स्थिति को देखते हैं कि स्वसंवृत्त दशा अनुराग जब स्वसंवृत्त दशा जहां आश्रय मृत्यु को प्राप्त करता है तो भाव होता है, और उस भाव जब प्रगाढ़ रूप से पहुंच जाए फिर महाभाव होता है। बोले कि स्वसंवृत्त दशा जावदाश्रय वृत्ति और अनुराग, अनुराग वो होता है जबकि कृष्ण को जितना ही देखे यही जीवन में पहली बार पहले कभी देखा ही है, इसको कहा जाता है अनुराग। जितना ही देखे यही पहली बार जीवन में पहले कभी देखा, इतना अपरूप रूप का वर्णन, इतनी दिव्य छटा, इतनी दिव्य कांति, इतना मधुर मनोहर जो कि भुवन मोहन श्याम सुंदर विमोहन है। इस प्रकार के भगवान श्री कृष्ण की जो मधुराती मधुर सौंदर्य छटा है, जिस सौंदर्य छटा रूप लावण्य में ब्रज गोपियां आकर्षित होकर उन्हें नित्य नव नवार में अनुभव करती है, इसलिए इसे रात कहा जाता है। जब रात स्वसंवित दशा जावदाश्रय वृत्ति को प्राप्त करे तो उसका तात्पर्य यह है कि कोई एक नायिका और नायिका को जिस समय हृदय में आनंद का अनुभव होता है, प्रिय प्रिय मिलन में जितना आनंद, उस आनंद को वो बाहर व्यक्त नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। और जैसे कभी विच्छेद हो, विरह हो, विच्छेद में इतनी तीव्र ज्वाला है, इतनी पीड़ा है, वो पीड़ा कोई सहन नहीं कर सकता है। इसलिए गुरु महाराज जी ने कहा कि जात ना पीछे बुझी बेसे किसे, कब आसे पीसे कब आही पीसे दम से ही जाने कि जातना पीसे बुझी बेसे किसे, कब आही पीसे दम से ही जाने। गुरु महाराज बार बार बोला करते थे, ये हम सुनते थे, समझते नहीं थे, बचपन सुनते थे, हंसते थे और लिखते थे। बात क्या है? तो बात यह है कि जातना किसे मुझे किसे किसे, ये बीस है, किसी ने बीस पी लिया तो बीस पी लिया तो उसको कितनी पीड़ा हो रही है वो जानता है, दूसरे कोई समझ नहीं सकता। बोले कि वही व्यक्ति समझ सकता है जिसको कभी किसी ने सांप काटा, कोई सांप किसी को काटा, कोबरा ने काट दिया, बीस की जवाब में छटपटाता रहा और वो छटपटाते हुए मरने की स्थिति में और मृत्यु के मुंह में जा रहा है, उसको अनुभव है। फिर उसने उसको किसी ने दिला दिया, तब उसको जीवन में अनुभव है बीस की क्या जवाब होती, तो विरह पीड़ा की ज्वाला उसी को होगी।
जिसको इसका अनुभव है, कभी उसने विरह का अनुभव किया तब उसको विरह पीड़ा का अनुभव होगा कि हाँ विरह में क्या पीड़ा होती है, कितना कष्ट होता है। एक स्त्री जब विछुड़ जाती है, अलग हो जाती है, विच्छेद हो जाता है, तब वो उन्माद होकर के पड़ी रहती है, उनके सर पर कपड़ा है या नहीं कुछ पता नहीं, उसको कोई होश नहीं। कितने लोग उनके संवेदना में रोए और उनके साथ संवेदना प्रकट करें, पर उसके हृदय की भावना को पीड़ा को अनुभव करना बड़ा ही कठिन। गोपियों को कृष्ण विरह की पीड़ा एक इच्छा जो उनको त्रुटि जुगाते, एक एक त्रुटि का युग समाज प्रतीत होता है, भारी पड़ता है। कृष्ण विरह का अनुभव जब होता है तो उनको कितनी ज्यादा, तब तो श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, पीड़ा भी नव काल कूट कटुता गर्भस्थ निस्संदेह न मधुरी मा अहंकार संकोचन। पीड़ा भी नव काल कूट कटुता गर्भस्थ सप्त समुद्र, सप्त समुद्र के समान काल पूर्वी को एकत्रित कर दिया जाए और उसकी जो ज्वाला है, जो पीड़ा है, जो ज्वाला है, उसकी ज्वाला को भी कहीं प्रारंभ कर दे, फिर उसके कर दे कृष्ण प्रेम विरह की ज्वाला है। इस ज्वाला को, इस विरह को जो अनुभव करती है गोपियां, इस अनुभव को करते हैं चैतन्य महाप्रभु जब गंभीरा में गई अवस्थित है। उस समय श्री चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी पाद ने महाप्रभु जी के भाव का वर्णन करते हुए दिखाया, जो कि बाहर विष जला है, भीतर ये आनंद है, ये है कृष्ण प्रेमार अद्भुत स्वभाव। प्रभु देह इच्छु मां ताहे मत गजर भाव जन, जो इच्छे करे बने तो करो। महाप्रभु जी का शरीर कैसा है कि गन्ने का खेत है, शुगर के दिखे, अब उसमें पागल हाथी घुस जाए तो पागल हाथी आ जाए तो क्या बचेगा, ये भी शुगर के नहीं बच सकता, सारा तोड़ मोड़ करके भेज देता है। इसी प्रकार जो महाप्रभु जी का शरीर कैसा है, वो शुगर कंटेंट है और उसमें गन्ने के खेत में ये भक्त भाव ग्रहण जो है, जिसमें सात्विक संचारी अनुभाव और संचारी भाव, अनुभाव आठ प्रकार के सात्विक भाव, 33 प्रकार के संचारी भाव और 21 प्रकार के अनुभाव और उसमें भी 20 प्रकार के अवनामन का मोह जो अभाव भूषण दिखाया गया, ये सभी एक साथ आ करके हृदय को एक उद्वेलित कर दिया, तोड़ मरो वहां प्रभु विरह में अति होकर गंभीरता से सात दरवाजे को पार करके निकल गए, पड़े हुए हैं कहां पर, अरुण स्तंभ के पास एक कछुए का पिंड जैसा बन गया। उस समय राजवंद सरुता होकर दौड़ करके चले, कहां गए कहां गए, चारों ओर से गाय घिरी हुई है, वहां प्रभु जी को सूंघ रही है, क्या बात है, कोई गाय छोड़ना नहीं चाहती, चारों से घेर कर सरुता होकर राजवंद जा करके थक्का मार मार करके हटा करके देखा कि महाप्रभु ऐसे पिता का स्वरूप में पड़े थे। ये स्थिति ऐसी थी को अनुमान, तो ऐसी तो पीड़ा है, ये भाव की स्थिति है। जब भाव की स्थिति में ये दशा होती है तब तो महाभाव की स्थिति में और क्या होता है। श्री रूप गोस्वामी पाद ने कहा, जब राधा जी भी रहने वाली रूप कर रोती है, सारे विश्व को रुला देती है, सभी को आकर्षित कर देती है, क्षण में एक एक क्षण सत युग के समान, और कृष्ण मिलन में
सतयुग एक क्षण में बीत जाए, ऐसी स्थिति ये महाभाव की स्थिति। इसलिए कृष्ण जब श्री राधा जी के इस महाभाव का स्वागत करने को प्रस्तुत हुए रासलीला में, इस महाभाव रस को आस्वादन करना चाहे, तब राधा जी की गोपियों की ये दशा है। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण अत्यंत चमत्कृत है और अत्यंत आह्लादित, राधा जी के दिव्य चमत्कार इस महाभाव का मुझे आस्वादन करना है। इस महाभाव रस को आस्वादन करने के लिए भगवान ने ये रासलीला की। रास का मतलब है रसायन समूह और रसों का समूह, जो कि भाव की चमत्कारिता मन से, मन पानी हृदय बुद्धि ये सब को अतिक्रम करके जहां केवल भाव की स्थिति है, उस भाव की स्थिति में वहां तो ब्रह्म रात्रि उपागता ब्रह्मा जी की रात्रि उपस्थित थी। वो रात्रि क्या है? 432 करोड़ वर्ष की, 432 करोड़ वर्ष की रात्रि वहां उपस्थित थी। और उस दीर्घ रात्रि में भगवान ने रास रचाया, गोपियों के साथ में नित्य विहार किया। वो गोपियों के लिए कितना समय निकला कि क्षण भर का। ऐसे राधा जी के महाभाव को उसने आस्वादन किया, इसलिए इस श्लोक में प्रस्तुत किया है। दृष्ट्वा क्रोध बंत मखंत मंडल रमानाभम नवतुं कुमारम। रमा जाने राधा जी, राधा जी का मुखार विंद कैसा है? राधा जी का मुखार विंद कैसा है कि पूर्ण चंद्रमा के जैसे। राधा जी का मुख फेस है गोल गोलाकार मुखार विंद। ऐसी ब्रज गोपियां जो है वो कैसी है? एक से एक देखने वाली बड़ी खूबसूरत है। इस जगह तो ऐसी कोई गर्मी तो देखने को मिलता ही नहीं। और बड़ी स्मार्ट है जो कृष्ण को छकाने वाले थे, ऐसी जो ब्रज गोपी है एक से एक बड़ी सुंदरी, और जो कि कृष्ण को माफ कर दे जिनको प्रेम का आस्वादन कराए वो तो क्या है, वो कैसे होगी? तो सबके हृदय में प्रेम भाव उदय कृष्ण के बदले उनकी अनंत ममता जा तो ठीक है। भले ही कुछ गोपियों में कुछ कमी आ रही, उन गोपियों को पूरा करने के लिए जो माया को लगाते हो जाए पूरा, उनके भाव को और सुदृढ़ कर दो, उनके प्रेम को जगा दो, ममता जगा दो, ये जो माया के द्वारा करा। पर फिर यहां पर उन्होंने देखा रमा रमा ब्रजभान नंदिनी राधा रमयती रमा, जो कृष्ण के साथ रमण करती है, कृष्ण का सदैव आनंद वर्णन करती है। इसलिए पवित्र लीलामृत में कहा कृष्ण वंश पूर्णतैव राधिकैका नृत्य, कृष्ण की वंश पूर्ति करने में सर्व समर्था कौन? राधा जी। उनकी समता में उनकी पारदर्शिता में कोई नहीं खरी उतर सकती है, परंतु कृष्ण की बड़ी इच्छा है। जब तक राधा जी की कृपा अनुग्रह नहीं हो तब तक दूसरों को कैसे अनुग्रह करें, कैसे एक्सेप्ट करें? सबको तो अनुग्रह करना पड़ेगा, इसलिए राधा जी का आश्रय किया, उनका नाम वंशी में ग्रहण किया। उन्होंने वृंदावन भूमि के एक एक काम से जग पर
Days and nights, computer, writing down,
books. And I read it. So I have first hand experience.
saw. Because Radhika is accustomed to hear Krishna's voice, but the activities of Krishna, the stimulants in his meeting, not involving the heart. We see that Smeram Mangalam, Shrim, Kaunshina. Fish and
Yeah.
Oh, yeah.